अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में सिंगल एंट्री मोड तथा डबल एंट्री मोड क्या है और इनका उपयोग कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि हमने मैनुअल अकाउंटिंग की वीडियो नंबर 3 में आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। उसका जो भाग इस वीडियो के लिए जरूरी है वो हम आपको फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला, और इसमें प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरे खाते में जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जैसे हमने 2 मई 2021 को लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स को 10,000 रुपए नकद दिए। इस ट्रांजेक्शन में दो खाते प्रभावित हुए हैं, लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स और कैश का खाता। जब हम इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे तो वो इस प्रकार होगी। यहाँ आप देख रहे हैं दो खाते प्रभावित हुए हैं, जिसमें पाने वाला लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स है और देने वाला कैश अकाउंट है। एक खाते को डेबिट किया गया है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया गया है। साथ ही दोनों पक्षों में जो राशि लिखी गई है वो भी समान है। आपको याद दिला दें कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही हमने रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और जर्नल वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सिखाया है। आगे समझने के लिए इसी एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस ओपन कर ली है। आप चाहे तो ये काम अपनी किसी पुरानी कंपनी में या नई कंपनी बनाकर कर सकते हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करें। अब पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करें। डेट चेंज करें। यहाँ DR में लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे। अब CR में कैश लेंगे। वाउचर में अभी हमने जो एंट्री की वो डबल एंट्री मोड कहलाता है, इसे हम चेंज मोड पर क्लिक करके कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए डबल एंट्री सिलेक्टेड है। अब हम सिंगल एंट्री पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाउचर सिंगल एंट्री मोड में आ गया है। यहाँ पर भी दोनों लेजर्स के नाम आ रहे हैं, सिर्फ पहले जो DR और CR लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम वापस कंट्रोल और H प्रेस करके डबल एंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए हम वापस पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों एक ही हैं। दोनों में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दोनों डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित हैं, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इससे फायदा क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जब आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन होता है, जैसे हमने लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स को 10,000 रुपए नकद दिए, यहाँ पर ये तो आसानी से समझ में आ रहा है कि दो खाते प्रभावित हुए हैं, लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स और कैश का। पर ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा पक्ष डेबिट करना होगा और कौन सा क्रेडिट। डबल एंट्री मोड में ये मालूम होना जरूरी है, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। बस इसी समस्या का समाधान है सिंगल एंट्री मोड। इसमें डेबिट क्रेडिट का झंझट नहीं होता। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि सिंगल एंट्री मोड सिर्फ रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ही होता है। आइए इस पर काम करके देखते हैं। समझने के लिए हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है 2 जून 2021 को हमने श्री विकास सिंह को माह जून 2021 का
ऑफिस का किराया 5000 रुपए नकद दिया। पहली बात, इस ट्रांजैक्शन से स्पष्ट है कि ये पेमेंट से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्ष हैं कैश अकाउंट और रेंट पेड। आइए सिंगल एंट्री मोड में यही एंट्री कर लेते हैं। यहाँ अभी पेमेंट वाउचर ओपन है और यही हमें चाहिए। अब कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे और सिंगल एंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर डेट में 2 जून टाइप कर रहे हैं। अकाउंट के आगे ब्लैंक आ रहा है, हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, इसमें सिर्फ कैश और बैंक के लेजर्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कहीं लिखा नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, हम कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हम पर्टिकुलर में आ गए हैं। यहाँ स्पेस बार प्रेस करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, हम इसमें से रेंट पेड सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट डालें। अब यहाँ नरेशन टाइप करें। अब इस एंट्री को सेव कर लें। दूसरा उदाहरण, हमने 1 जुलाई को 2 पेमेंट्स किए हैं। पहला अपने कर्मचारी पवन वर्मा को माह जून 2021 का वेतन 5000 रुपए नकद दिया है और दूसरा हमने श्री विकास सिंह को जुलाई माह 2021 का ऑफिस का किराया 5000 रुपए नकद दिया है। पहली बात, ये दोनों ट्रांजैक्शंस पेमेंट से संबंधित हैं। दूसरी बात, इन दोनों में पेमेंट नकद किया गया है तथा जिन्हें पेमेंट किया गया है उनमें एक लेजर सैलरी का और दूसरा रेंट का है। आइए इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस एंट्री को हम यहाँ कंपाउंड एंट्रीज की तरह कर रहे हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इससे पहले वाली कंपाउंड एंट्रीज की वीडियो देख लें। कंपाउंड एंट्रीज के बारे में सीखकर आप तेजी से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए सबसे ऊपर डेट में 1 जुलाई टाइप कर रहे हैं। अकाउंट के आगे ब्लैंक आ रहा है, हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है और इसमें सिर्फ कैश और बैंक के लेजर से दिखाई पड़ रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट का कोई कंफ्यूजन नहीं, हम कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलर में स्पेस बार प्रेस करें। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, हम इसमें से सैलरी सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट डालें, एंटर प्रेस करें। यहाँ रेंट पेड सिलेक्ट करें, उसका अमाउंट डालें। यहाँ पर नरेशन टाइप करें। अब इस एंट्री को सेव कर लें। तीसरा उदाहरण, हमने मालवा ट्रेडिंग कंपनी देवास का जो माल बिकवाया था 2 अगस्त 2021 को, हमें उसका कमीशन 5000 रुपए HDFC बैंक के चेक नंबर 616161 डेटेड 2 अगस्त 2021 से प्राप्त हुआ, जिसको हमने क्लियरिंग के लिए अपनी बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। पहली बात, इस ट्रांजैक्शन से स्पष्ट है ये रिसीट वाउचर से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्ष हैं बैंक अकाउंट और कमीशन रिसीव। आइए सिंगल एंट्री मोड में ये एंट्री कर लेते हैं। रिसीट वाउचर के लिए F6 प्रेस करें, डेट चेंज करें, अकाउंट के आगे ब्लैंक आ रहा है, स्पेस बार प्रेस करेंगे। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है और इसमें सिर्फ कैश और बैंक के लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट का कोई कंफ्यूजन नहीं, हम बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलर में स्पेस बार प्रेस करें। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, हम इसमें से कमीशन रिसीव्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट डालें। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। ये देखिए बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर जरूरी डिटेल्स दे दें। अब यहाँ नरेशन टाइप करें और इस एंट्री को सेव कर लें। चौथा उदाहरण,
1 सितंबर 2021 को हमने 5000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा किए। पहली बात, इस ट्रांजैक्शन से स्पष्ट है ये कॉन्ट्रा वाउचर से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्ष हैं, कैश और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए सिंगल एंट्री मोड में ये एंट्री कर लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करें, डेट चेंज करें, अकाउंट के आगे ब्लैंक आ रहा है, स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है। इसमें कैश के साथ बैंक के सभी लेजर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये कि यहाँ कौन सा लेजर सिलेक्ट करेंगे, कैश का या बैंक का। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जिसको हम दे रहे हैं वो लेजर यहाँ सिलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। पर्टिकुलर में स्पेस बार प्रेस करें, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है, इसमें हमें वो लेजर सिलेक्ट करना होगा जो दे रहा है, जो कि यहाँ पर कैश का है। ध्यान दें, अभी बैंक का बैलेंस 20,000 आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ अमाउंट डालकर एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बैंक में रुपया डाल रहे हैं। और इसी के साथ कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि कैश कम हो रहा है। हम यहाँ अमाउंट डालकर एंटर प्रेस कर रहे हैं, देखिए बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और कैश का बैलेंस कम हो गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमने दोनों लेजर सही सिलेक्ट किए हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। बैंक लोकेशन स्क्रीन आ रही है और ऊपर उसी बैंक का नाम आ रहा है जिसमें हमने रुपया जमा किया है, और नीचे ट्रांजैक्शन टाइप में कैश लिखा है। एंटर प्रेस करें, ये देखिए कैश डिनोमिनेशन स्क्रीन आ रही है। इसमें आपने जिस तरह के नोट बैंक में जमा किए हैं उनकी डिटेल्स देना है। जैसे कि हमने 100 रुपए वाले 50 नोट जमा किए हैं, तो हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और 100 के आगे 50 टाइप कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ नरेशन टाइप करें। अब इस एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।